आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। कुदरत का कहर, आखिरी लम्हों में बच्चों को मुखाग्नि देने का भी मौका नहीं मिला। आपको बता दें, चमोली जिले में आई त्रासदी ने कई लोगों के घरों को तबाह ही नहीं बल्कि कई लोगों के घरों के चिराग भी बुझा दिए। कई मासूम लोगों की जिंदगी को पल भर में उजाड़ दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कुदरत के कहर का मंजर ऐसा भी हो सकता है। कई नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि उनको क्या मालूम था कि ये जल सैलाब उनकी इतनी दर्दनाक मौत लेकर आएगा और उनके जिंदगी के साथ साथ उनके सपनों को भी छीन लेगा। वहीं बात करेंगे जौनसार के पंजिया गांव की, जहां के 4 नवयुवकों ने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। लगभग 1 हफ्ता से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन इन नवयुवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। अब परिजनों की आंखों में आंसू सूख चुके हैं और उम्मीद की किरण भी डूब चुकी है। उन्हें अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि कुदरत ने उन्हें आखिरी लम्हों में अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया। भगवान से शिकायत मत इतनी सी है कि उन्हें उन तमाम रिवाजों से भी महरूम रखा जो आखिरी वक्त में मौत की शैया पर निभाए जाते हैं। परिजनों को अंतिम मुख दर्शन भी नसीब नहीं हुआ। आज उन्होंने हार मानते हुए वो कर डाला जिसे कोई भी माता पिता सगा संबंधी नहीं करना चाहता। परिजनों ने उन नौजवानों का अंतिम संस्कार उनके शरीर के बिना ही करना अब मुनासिब समझा। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये अर्थियां वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक है, क्योंकि जो लापता हुए हैं उनके शरीर का एक कतरा भी उनके परिवार को नसीब नहीं हो सका जो रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए मजबूरन अब पुतलों का अंतिम संस्कार हरिपुर यमुना तट पर करना पड़ रहा है। वहीं इस दुखद घड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मृतकों के परिजनों से आज पंजिया सैया ददोली गांव में जाकर मिले और उनको सांत्वना दी। डीसीपी न्यूज भगवान से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दुआ करता है और उम्मीद करता है फिर कभी कोई ऐसी आपदा ना आए जिसमें किसी अपने को इस तरह खोना पड़े। कैमरामैन रणवीर सिंह के साथ संवाददाता विनोद कुमार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। मशीन भी जो है वो पहले दिन तो एक
व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी और साथ ही साथ पूरे देश से लोग वहां पर आ रहे थे। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर मैंने देखा कि जो आने वाले लोग थे ना उनके लिए कोई कंट्रोल रूम वहां पर था, ना कोई बैठने की व्यवस्था थी, ना उनके खाने की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नदार थी और कांग्रेस के साथियों ने जो शिविर वहाँ पर स्थापित करने का काम किया जिसके माध्यम से वो तमाम चीजें जो है आमजन को उपलब्ध करा रहे थे, सरकार के दबाव में प्रशासन ने उसे भी बंद करने का काम किया है, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।